अविवेक एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के मोस्ट आईएमपी 50 एमसीक्यू देखेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस क्विज होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। जैसे कि हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवाणु से संबंधित तथ्यों में कौन सही है। ऐसे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे एग्जाम में दिए जाते हैं। इसका इसमें से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताते जाना है, जिससे आपको पता चले आपको कितना याद है और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणु को पौधे भी माना जाता है। जीवांतिक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सही आंसर होगा यहां पर सूत्रकणिका नहीं होता है, ऑप्शन डी। जीवाणुओं में साधारण आकृति क्या होती है? छद रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उसको कहा जाता है गोलाणु। क्या कहा जाता है? गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहा जाएगा गोल जीवाणु को? कोकस कहा जाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेपी आशय कहलाता है, क्या कहेंगे हम प्रकाश संश्लेपी आशय को? वर्णकिल्वक। पाश्चर प्रसिद्धि है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिका इसका पूरा नाम है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? उसे कहा जाता है नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट्स नोड्यूल्स पाई जाती है कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एसरेशिया कोलाई, ऑप्शन बी। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 बन जाएंगे।
प्रति 20 मिनट में ये डबल होती जा रही है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन के लिए फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लहरी मोग्लोबिल क्या कार्य करता है? यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? इसमें से तपेदिक है। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके ये सवाल है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्या आंसर होगा? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो वो है राइजोबियम, ऑप्शन ए। सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की थी सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं विषाणु को यानी वायरस को। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? विषाणुओं में एंजाइम नहीं होता है। टीएमवी शब्द संबंधित है किससे संबंधित है? विषाणुओं से संबंधित है। टीएमवी शब्द जो है वो संबंधित। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी। चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। एडवर्ड ने, एडवर्ड जेनर पूरा नाम है। एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसकी खोज की थी अभी हमने बात की, ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइए। सही जवाब हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु जो है वृद्धि करता है जीवित शरीर में। कोरोना आया था आप सबको पता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? विषाणुओं में एंजाइम जो है वो अनुपस्थित होते हैं। एड्स के कारण है, कौन सा कारण है इसमें से? T4 लिम्फोसाइट की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का पूरा होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एड्स वायरस क्या है? एक सूची आरएनए है। एड्स का कारक कारण है वायरस, ऑप्शन सी वायरस के कारण होता है। इबोला क्या है? तो इबोला भी एक तरह का वायरस है। एड्स फैलता है असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, श्वास संपर्क से नहीं फैलता है, कीटों से भी नहीं फैलता है, असुरक्षित शारीरिक संबंध से फैलता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है इनमें से? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? सार्स जो है वो क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा इसमें से किन के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो विषाणु के कारण होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेचक। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमने देखे, 50 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल के नाम पर क्लिक करके वीडियोज में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।